Κόντα. Ήλενα. कैबेज ले लिया है, मेयोनीज है और जितने भी हर्ब्स होते हैं जैसे चिली फ्लेक्स, थाइम और ओरिगेनो, इसके बाद है ब्लैक पेपर, ये सब को मिक्स करके इसे बना दूंगी एक सैंडविच। इस वाले ब्रेड में चीज डाल के बनाया, चीज और बटर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो मतलब ठंड तो थोड़ा बहुत मतलब कम हुआ है, बट यहाँ पे मतलब बहुत ही ज़्यादा हवा देने के वजह से ठंड लगती रहता है। और यहाँ पे देखिए थोड़ा धूप भी आ गया है पूरा, लेकिन मतलब इतना सब हमेशा हवा चल रहा है कि बहुत ही ठंड लग रहा है इसीलिए। तो ब्रेकफास्ट तो हो गया, वही सिंपल सा ब्रेकफास्ट। और लंच में अभी हम लोग सोच रहे हैं कि मतलब हैवी लंच होगा और सिंपल सा ही लंच होगा, वो सब अभी सोच रहे हैं। और है कि आज जो मुझे हेल्प करने आती है वो आज नहीं आई है, तो इसलिए आज मुझे ही साफ़ करना पड़ेगा सब कुछ। तो देखते हैं, बने रहिए ब्लॉग के साथ। दिखाती हूँ कि क्या चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे मोहे का हेयर कट हो रहा है। लंच के लिए दाल में सीम डाल के मैंने बनाया है, और है पालक और बैंगन आलू का फ्राई, और यहाँ पे है करेला का फ्राई, और अचार भी है, और कटे हुए मूली। तो यही है हम लोगों का आज लंच। चाय के साथ है गर्मा गर्म समोसा, और समोसा के साथ जो चटनी मिलता है ना उसको मैंने यहाँ में थोड़ा सा होल कर दिया है, और ये मफिन्स के इसमें डाल दूँगी, नहीं तो फैल जाता है। एक हाथ में कैमरा और एक हाथ में चाय और समोसा। प्लेग्राउंड भी रेडी है, पिच भी रेडी है, आ जाइए सब लोग मिलके खेलते हैं महर्षि के साथ क्रिकेट। Yeah.
तो दोपहर का दाल है और ये फूल गोभी को थोड़ा सा फ्राई कर ले रही हूँ। और ये फिर से सूरन को बॉईल कर लिया है और नींबू, नमक और सरसों के तेल से उसको मैश कर लूंगी, तो वो टेस्टी लगता है। तो कल किया था, कल भी बनाया था, तो आज थोड़ा सा था तो सोचा कि इसको मतलब आज खा लेते हैं, तो नहीं तो खराब हो जाएगा। तो आज का ब्लॉग इतने में ही एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों के साथ एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा।